राष्ट्र समर्पण पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत सिंह ठाकुर द्वारा हाल ही में निर्मित उनके राष्ट्र समर्पण पार्टी की www.partyrsp.org यह वेबसाइट किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हैक करने की जानकारी प्राप्त होते ही सर्वप्रथम उसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण जिला साइबर क्राइम सेल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गहलोत तथा वेबसाइट निर्माण करने वाली संस्थाओं की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत सिंह ठाकुर का मानना है कि राष्ट्रहित में कार्यरत उनकी पार्टी की वेबसाइट हैक करने से संभवतः पाकिस्तानी नागरिक का हाथ होने का अंदेशा व्यक्त कर राष्ट्रहित एवं हिंदुओं तथा धर्म संस्कृति के लिए कार्यरत राष्ट्र समर्पण पार्टी के कम समय में प्रगति तथा जमीनी कार्य से बढ़ती लोकप्रियता से राष्ट्र एवं हिंदू विरोधी ताकतों की जड़ें हिलने लगी है, इसलिए हिंदू विरोधियों में खलबली मचने की बात इस अवसर पर कही तथा जब तक पार्टी की वेबसाइट नियमित तौर पर पूर्ववत शुरू नहीं होती तब तक पार्टी का सिर्फ निःशुल्क सदस्यता अभियान शुरू रहेगा, किंतु पार्टी के उत्थान हेतु पार्टी से जुड़े सभी क्रियान्वित सदस्य एवं पदाधिकारियों से इस वेबसाइट के माध्यम से किसी भी प्रकार के आर्थिक व्यवहार तथा पार्टी के गोपनीय व्यवहार न करने की विनती भी पत्र परिषद के माध्यम से की है और उन्होंने भारत सरकार राज्य सरकार एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय से गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट आईडी तथा फेसबुक आईडी हैक करने वालों पर सख्त एवं कड़े कानून बनाने की मांग के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि देश का हिंदू और हिंदू संगठनों की एकजुटता तथा प्रगति से हिंदू विरोधी भयभीत होकर इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर संगठनों को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं, किंतु राष्ट्र समर्पण पार्टी विरोधकों के ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं है। राष्ट्र विरोधियों की हर हरकतों का जवाब उन्हीं की भाषा में देना हमें आता है, लेकिन हमें उनके जैसे निचले स्तर पर जाने की अनुमति हमारे संस्कार नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरने वाले हैं। हम भारत माता के सपुत्र हैं, किसी से भी नहीं डरते और अपने लक्ष्य के प्रति सजग तथा लक्ष्य पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को सदैव तत्पर है तथा हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता देश हित में व देश की प्रगति में अपना हाथ बटाने हेतु लायक है, ऐसे विचार प्रसार माध्यम से बात करते हुए कही। जय मां भारती। एक हफ्ते पहले मैं अपनी वेबसाइट www.partyrsp.org को लॉगिन किया और उसमें मेंबर का फॉर्म भरना था तो मुझे पता चला कि मेरी वेबसाइट हैक कर लिया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय मुझे लगता है पाकिस्तान के आतंकवादी जो हैकर है उन्होंने हमारी वेबसाइट हैक कर लिया है। हमारी पार्टी हिंदुस्तान हिंदुओं और हिंदुओं के लिए काम करने वाली पार्टी, जैसे हमारे पार्टी के नाम से पता चलता है कि हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्र समर्पण पार्टी अर्थात राष्ट्रीय समर्पण हुई पार्टी। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को यह समझ में आ रहा है कि भाई हिंदुस्तान के लिए काम करने वाली पार्टी राष्ट्र समर्पण पार्टी है, इसलिए उन्होंने हमें डराने धमकाने या हमको भयभीत करने के लिए हमको हैक किया है। मैंने इसके माननीय पुलिस अधीक्षक क्राइम, पुलिस अधीक्षक छाप और हमारी जो वेबसाइट हैक करने बनाने वाली जो कंपनी है उसको हमने रिपोर्ट किया है। मैंने आपको बताया कि हमारी जो पार्टी हिंदुस्तान में हिंदू समाज हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है और जिससे पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं आतंकवादी को आका उनके पेट में दर्द हो रहा है वो हमें हमारे कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं धमकाना चाहते हैं कि इस पार्टी से कोई जुड़े ना, इसलिए वो ऐसा घृणित काम कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए सावधे से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।